गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? जी क्या हो रहा है भाई? सारा काम करका कर लिया था आप लोगों ने? क्या किया था? बनाना पे आपने कुछ लाइंस लिखी थी कल, और ऑरेंजेस पे लिखी थी, वेरी गुड। और उसके बाद पॉपकॉर्न्स बनाए थे। पॉपकॉर्न बन गए? कैसे बने पॉपकॉर्न्स? मज़े के थे? सारे खा लिए? खा लिए सारे, यस वेरी गुड, मज़ा आया। फिर उसके टेस्ट के बारे में सोचा, लिखा, टीचर को बताया, और उसकी स्मेल के बारे में बताया था, वेरी गुड। यानी कि कल आपने बहुत मज़े गए हैं, है ना? आपने ख़ुद भी पॉपकॉर्न्स खाए और घर में सबको पॉपकॉर्न्स खिलाए, है ना? चले अब आज फिर एक बहुत मज़े की एक्टिविटी करते हैं। जी हमारी एक्टिविटीज़ आजकल बहुत मज़े की हो रही हैं, यम्मी यम्मी सी, है ना? चले अब हम क्या करते हैं, आज हम एक और एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी ये होगी कि आप डिफरेंट किस्म के जो वेजिटेबल्स होते हैं हम उन पे जो है वो गौर करेंगे, के बारे में सोचेंगे, और ये सोच के ये बताएंगे कि भाई ये वेजिटेबल जो है और ये फ्रूट जो है उसकी सरफेस कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है? और इन सब को देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपने किन सेंस ऑर्गन की ज़रूरत होगी वो भी हमें पता होना चाहिए, और वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना? चलें तो हम क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास पेज नंबर मौजूद है 16, और यहाँ पे देखें जी हमने इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में मालूम करना है, यस वेरी गुड। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे पास बिटर गॉर्ड मौजूद है, हमारे पास मिंट मौजूद है, और बनाना है, ऑरेंज और अनियंस, जी इन चीज़ों के बारे में आज हमने जो है वो देखना है। और हमने क्या करना है भाई, हमारे पास ये चार्ट मौजूद है, और इस चार्ट में जो है इन सब के नाम लिखे हुए हैं, और इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? यानी कि हमने देखना है कलर कैसे, कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करेंगे हम अपना, जी सरफेस, इसी सरफेस देखनी है टच करके, और इसका कलर देखना है सी करके, अपनी आँखों के ज़रिए टच करना है, एंड देन स्मेल करनी है अपनी नोज के ज़रिए, और उसके बाद टेस्ट करना है, एंड देन साउंड हेयर, यानी कि अपने कानों के ज़रिए, ठीक है? ईयर्स के ज़रिए करेंगे। हमारे पास ये एक्टिविटी बहुत अच्छी मौजूद है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मौजूद है। आप वन बाय वन अब हर ऑब्जेक्ट को लेंगे, हम हर वेजिटेबल को लेंगे, हर फ्रूट को लेंगे, और उसके बारे में हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे, अपने हाथ में लेंगे। अगर आपके पास घर में मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसके बारे में सोचेंगे, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, अपनी पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें, और फिर इस चार्ट में उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है? अब जैसे कि हमारे पास मौजूद है मिंट, मिंट क्या होता है, मिंट क्या होता है भाई? घर में आता है, यस। अब सोचें इसका कलर क्या होता है, हमारे पास यहाँ कलर भी मौजूद है इसका, तो हमारे पास कलर क्या है इसका, यस हमारे पास कलर क्या है इसका, ग्रीन कलर मौजूद है। इसकी सरफेस कैसी होती है, अगर मेरे पास नहीं है कि मुझे पता है कि इसकी सरफेस कैसी होती है, मिंट मेरे घर में आता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में नॉर्मली आती हैं, यूज़ की जाती हैं, है ना जी? तो हम इसकी सरफेस सोचें तो कैसी होती है, क्या स्मूथ होती है या रफ़ होती है, कैसी होती है, यस रफ़ होती है। और इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट सी होती है, अच्छी होती है, आप इसको गुड स्मेल कह सकते हैं, आप इसको स्वीट स्मेल कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? आप इसको जो है देखेंगे, इसके बाद टेस्ट इसका देखेंगे, इसका टेस्ट कैसा आता है, अच्छा लगता है, गुड टेस्ट होता है, और साउंड इसको कैसे, अगर हम तोड़ेंगे तो कैसी साउंड आती है, बहुत क्रंची सी आती है, क्रैक आती है, ये कैसी आती है, जी बहुत सॉफ्ट सी इसकी स्मेल आपकी साउंड आती है ना? तो इस तरह से हमने ग्रेजुअली वन बाय वन हर फ्रूट को या वेजिटेबल को सॉर्ट आउट करना है, इसको देखना है। इसके बाद हमारे पास बिटर गॉर्ड आ जाता है, बिटर गॉर्ड कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर कैसा है, यस इसका कलर ग्रीन है, इसकी सरफेस कैसी होती है,
रफ होती है या स्मूथ होती है? याद करें, रफ होती है। और इसका इसकी स्मेल कैसी होती है? थोड़ी सा कड़वी होती है, बिटर टाइप की होती है ना, तो इसकी बिटर होती है आपकी। और इसका टेस्ट भी जो होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है ना जी, थोड़ा सा कड़वा सा होता है, लेकिन होता अच्छा मज़े का। और साउंड इसकी जो होती है, अगर हम तोड़ें तो थोड़ी सी क्रंची होती है ना, क्रंची होती है, यस। और अब हम देखें, अगर बनाना, माई फेवरेट फूड बनाना, जी ये है बनाना। इसका कलर क्या है? यस, करेक्ट, इसका कलर है येलो। और इसकी सरफेस स्मूथ है ना, इसकी आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है। स्मेल इसकी गुड है, या हम इसको स्वीट कह सकते हैं, अच्छी स्मेल लगती है हमें इसकी। इसका टेस्ट भी हमें जो अच्छा लग रहा होता है ना, इसका बिटर तो नहीं होता, कड़वा तो नहीं होता, नहीं, तो इसको हम कहते हैं इसकी गुड स्मेल है। और इसकी साउंड कैसी होती है, अगर हम इसको तोड़ें या हम इसको खाएं? कभी क्रंची सी तो नहीं आती है ना, क्रैक सी भी नहीं आती, बहुत सॉफ्ट सी इसकी जो है वो साउंड आती है। अच्छा जी, ऑरेंज की बात करते हैं, हमारे पास ऑरेंज मौजूद है, इस ऑरेंज का कलर कैसा है? ऑरेंज, यस। और इसकी सरफेस कैसी है? थोड़ी सी स्मूथ सी है ना, स्मूथ सी इसकी आपकी सरफेस आ जाती है। स्मेल इसकी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, तेज़ स्ट्रॉन्ग होती है इसकी स्मेल, या हम सोर कह सकते हैं, थोड़ी खट्टी सी इसकी जो है वो स्मेल आ रही होती है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है ना, तो हमसे कहते हैं कि सोर स्वीट होता है। और इसकी साउंड जो होती है, अगर इसको तोड़ते हैं तो थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती है ना, सॉफ्ट सी इसकी साउंड आ रही होती है। अनियंस, अनियन का कलर क्या होता है? हमारे पास अनियन मौजूद है, तो अनियन का कलर है हमारे पास पिंक कलर होता है, बहुत अच्छा सा बेबी पिंक, प्यारा सा कलर होता है, कूल कूल सा है ना। इसके बाद इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, और इसकी स्मेल जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना। जहाँ पे अनियंस रखी होती हैं तो वहाँ खबर मिल जाती है कि भाई यहाँ पे अनियन रखी हुई है ना। और भाई इसका टेस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो साउंड होती है, अगर आप इसकी जो है वो इसकी उसको छीलेंगे तो अच्छी सी क्रंची सी जो है थोड़ी सी इसकी साउंड आ रही होती है। ठीक है, तो हमने जो है अपने हर फ्रूट के बारे में, हर वेजिटेबल के बारे में बात की। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस की है इन चीज़ों को, आपने घर में बैठ के, या तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों, आप अपने घर पर रख लें, और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं, है ना, ऐसी मुश्किल चीज़ें तो नहीं है, रोज़मर्रा की चीज़ें, आपकी डेली यूज़ की चीज़ें मौजूद हैं, आपने उनको रखना है, उनके बारे में देखना है, मम्मा से डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें, और बड़े मज़े की एक्टिविटी हो जाती है ये। हाँ, और फिर उसके बाद इस चीज़ को वन बाय वन जो है हर कॉलम में फिल करें, और फिल करने के बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप क्या करेंगे, उनको ये बताएंगे कि आपने आज बहुत मज़े की एक्टिविटी की है, और जिसमें आपने डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया, उनको उनकी स्मेल के बारे में, टेस्ट से, साउंड से, और सरफेस कलर को डिस्कस करके एक ग्राफ बनाया। ये ग्रिड आपके पास मौजूद होगी, आप इसको फिल करेंगे और टीचर को इसकी पिक्चर भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद कल मिलते हैं, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, और कल हम मिलेंगे आपसे न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।